महादेव गुरु, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यूनिवर्सिटी से संबंधित सारा अपडेट आपको देते हुए आ रहा हूं। तो फिलहाल देखिए, ये एक अपडेट मैं आप सभी तक ये पहुंचाना चाह रहा हूं कि आप लोग के पोर्टल पे एक चेंज कोर्स का ऑप्शन आ रहा है, जिसको लेकर आप काफी ज्यादा परेशान और चिंतित हो गए हैं। और कमेंट बॉक्स अगर खोलिएगा तो केवल कमेंट बॉक्स में उसी से रिलेटेड प्रश्न भरे हुए हैं कि भैया चेंज कोर्स को लेकर क्या करना है, चेंज कोर्स क्या है, पोर्टल पे क्यों दिया है, हमको कोर्स अलॉटमेंट हो गया था, लॉक कर दिया था, फिर भी चेंज कोर्स दिया है, तो क्या मुझे चेंज करना होगा या नहीं करना होगा, क्या मैं चेंज कोर्स पे नहीं करूंगा तो मेरा कोर्स अलॉटेड वाला जो कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, इस चीज को लेकर आप काफी ज्यादा परेशान है। तो मेरे दोस्त, परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ, ठीक है। तो फिलहाल देखिए, चेंज कोर्स के बारे में मैं पहले बात कर लेता हूँ, दो तीन पॉसिबिलिटी, चार पॉसिबिलिटी क्या बन रही है उसको लेकर क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो रही है, देखिए चेंज कोर्स क्यों देता है। चेंज कोर्स का मतलब ये होता था कि जब अगर आपको बीए कोर्स अलॉट हो गया है और आप बीकॉम कोर्स में जाना चाहते हैं, तब आपको वहाँ पे चेंज कोर्स करना चाहिए था और वहाँ पे चेंज कोर्स होता है। लेकिन इस बार अगर बीएचयू पोर्टल में देखिएगा तो जिसको सेम कोर्स अलॉट हुआ है उसमें भी चेंज कोर्स का ऑप्शन दिया है, यानी कि एक तरह से ये बीएचयू पोर्टल में कह सकते हैं कि ग्लिच कह लीजिए या फिर रैंडमली ऑटोमेटिक सबको ऑटो जनरेटेड ये लोग दे दिए हैं, तो ये चीज नहीं होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अगर मिल गया है तो इसका क्या आंसर है, क्या उपाय है, उसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए आपको बीए कोर्स अलॉट हुआ था, बीए कोर्स में आपको 15वां प्रेफरेंस आपको मिला हुआ था। अगर आपको तो पता ही है कौन सा प्रेफरेंस किस नंबर पे है, आपको पता है, उस पर लिखा भी रहता है कि आपको 15वां प्रेफरेंस अलॉट हुआ, ठीक। अब 15वां प्रेफरेंस अलॉट हुआ है, अब मान लीजिए सेकेंड राउंड में आपको 10वां प्रेफरेंस अलॉट हो गया, तो आपके लिए तो ये अच्छी बात है कि भाई आपको अच्छा प्रेफरेंस मिल रहा है, 10वां से 5वां मिल जाए तो और अच्छा है। तो अगर आपको 10वां मिला है तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ये ऑटो अपडेट हो गया है, ठीक है। तो उसको या तो आप छोड़ दीजिए वैसे ही, और अगर मन है आपका, अच्छा लग रहा है, तो उसको आप चेंज कोर्स कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चेंज कोर्स कर दीजिए, इसके लिए आपके लिए आसानी होगी और अच्छा ही रहेगा, एटलीस्ट क्या ही दिक्कत है, 2 मिनट काम है, कह दीजिए, कोई उसमें आपका निगेटिव नहीं है, ठीक है। अब 15वां से अगर आपको 10वां मिल रहा है, अच्छा ही है ना, थोड़ा सा मेरा हाथ दर्द करने लग रहा है, मैं हाथ मोबाइल कराऊँ के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपका हो गया, ये पॉसिबिलिटी सेम कोर्स वाली हो गई। अब मैं बात करता हूँ कि मान लीजिए किसी को बीए पहले में अलॉट हुआ था, ठीक है, और सेकेंड राउंड में उसको बीकॉम में अलॉट हो गया, ठीक। अब वो क्या करे, वो करेगा चेंज कोर्स, क्योंकि उसके लिए भाई बेहतर है, क्योंकि भाई उसको जो पहले अलॉट हुआ था बीए, वो बीए नहीं पढ़ना चाहता, वो बीकॉम पढ़ना चाहता है, तो चेंज कोर्स कर दे। और अगर नहीं, वो बीए ही पढ़ना चाहता है, बीकॉम नहीं पढ़ना चाहता है, तो जैसी स्थिति है वैसे ही रहने दे, कुछ मत करे, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरा जो आपका सवाल था, एक लड़की ने मुझे भेजा था कि उसका चेंज कोर्स में पहले उसका नॉर्मली BCW था, BA BCW फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में उसको दूसरा कोर्स मिल गया, MMB मिल गया BA में ही, तो वो परेशान थी कि मैं, मुझे क्या करना चाहिए, फलाना ढिकाना, यार तुम कुछ मत करो, तुमको जो मिला है अगर चेंज कोर्स करना है चेंज कोर्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं, उससे तुम्हारा कोर्स चेंज नहीं होगा। इसमें ये हो रहा है ना कि वही कोर्स वही चेंज हो रहा, मतलब वही सब प्रेफरेंस चेंज हो रहा है और कुछ नहीं। तो एक काम करिए, अगर आपका मन कर रहा है तो चेंज कोर्स कर दीजिए, नहीं मन कर रहा है तो मत करिए, हालांकि कर देंगे तो ठीक ही रहेगा, क्योंकि ऑप्शन दे दिया उसमें, तो कर देना ही बेहतर होगा। तो आप लोग जितने लोग हैं, अगर आपको सेकंड राउंड में अच्छा प्रेफरेंस मिला है तो उसको जो है आप लोग ले लीजिए, चेंज कोर्स कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते थे, जैसे बीकॉम वगैरह पढ़ना चाहते थे, तो बीकॉम का क्या सीन है कि अगर बीए से अगर आपको बीकॉम मिल रहा था, बीकॉम में चले जाइए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बीए ही पढ़ना था तब फिर चेंज कोर्स मत करिएगा, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, तो इस बात का आप हमेशा जो है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और कुछ खास आपके आई थिंक कमेंट नहीं आए हैं जिसको लेके जो है बात करनी चाहिए, हालांकि और हाँ, कुछ लोग ये कर रहे हैं कि मैंने पहले राउंड में लॉक किया था, दूसरे राउंड में जो है वो लॉक हट गया है,
तो मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा ये अगर अपग्रेड हुआ तो आपके लिए बेहतर है भाई, प्रेफरेंस आपने भरा है। अगर आपने उल्टा पुल्टा प्रेफरेंस भरा है तब झेलना आप ही को पड़ेगा, फिर उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। बाकी कोई चीज़ को लेकर आपको डाउट पड़ता है, कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करिएगा उसको लेकर। अगर मुझे लगता है जेन्युइन वीडियो बनाने लगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन ये जो चेंज कोर्स वाला है तो आप काम करिए, अगर वही सेम कोर्स में भी अगर आपको अलॉटमेंट हो रहा है और प्रेफरेंस अच्छा मिल गया है चेंज कोर्स कर दीजिए, ओटीपी डाल के कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते, इच्छा नहीं है, मन नहीं है तो मत करिए, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को यही पेंट करते हैं। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव।